फार्मर्स प्रोटेस्ट वापस स्टार्ट हो चुके हैं। ये इमेजेस हमें 2021 की याद दिलाते हैं, जहां नॉर्थ इंडिया के किसानों ने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को ब्लैक लॉज कहा और सरकार को उन्हें पीछे लेना ही पड़ा। हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। लेकिन अब ये प्रोटेस्ट क्यों? नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स चाहते क्या है और सरकार उन्हें वो जो चाहते हैं वो दे क्यों नहीं देती? क्या ये प्रोटेस्ट है या फिर इलेक्शन से पहले होने वाला ब्लैकमेल? आप कंफ्यूज होंगे, हम भी कंफ्यूज हैं, तो चलिए साथ मिलकर कंफ्यूज होते हैं। चलिए मुद्दे को आसान भाषा में समझते हैं। आज के वीडियो में हम बातें आपके सामने रखेंगे, खुद का ओपिनियन देंगे, जिसकी बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे कि क्या फार्मर्स के डिमांड्स प्रैक्टिकल हैं या नहीं। हम भारत के इम्पोर्टेंट मुद्दों को एक आसान भाषा में आपके सामने लाते हैं, लेकिन आप में से कई लोगों ने उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया हुआ। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है और ऐसे ही लॉजिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का हौसला भी मिलता है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग तक ये वीडियो पहुंचे और इस बार वो थोड़े सेंसिबल ट्वीट्स करें। चैप्टर 1, किसान क्या चाहते हैं। इलेक्शन आ रहे हैं और यही टाइम होता है सरकार से अपनी बातें मनवा लेने का या फिर सरकार को विलन बनाने का। 250 से ज्यादा छोटे बड़े फार्मर यूनियन एक बैनर के अंडर साथ आए हैं, कॉल्ड किसान मजदूर मोर्चा। ये प्रोटेस्ट पंजाब से कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, लेकिन इनमें हरियाणा और यूपी के फार्मर्स भी शामिल हैं। बेसिकली ब्लूप्रिंट पिछले समय जैसा था वही लग रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि SKM यानी संयुक्त किसान मोर्चा, जो 2021 में फार्म लॉस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो इन प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है। 2021 के बाद कई फार्मर यूनियन स्प्लिट हो चुके हैं। पहले संयुक्त किसान मोर्चा था, ये संयुक्त किसान मोर्चे का आंदोलन नहीं है। यानी एज अ कॉमन मैन हमें ये समझना जरूरी है कि ये प्रोटेस्ट पहले के प्रोटेस्ट का कंटिन्यूएशन नहीं है। पहले के सारे डिमांड्स कंप्लीट हो चुके थे, इसीलिए किसान लौटकर घर चले गए थे। ये प्रोटेस्ट नए हैं क्योंकि फार्मर्स के डिमांड्स नए हैं। इन्हें फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 कहना सही नहीं होगा। इस साल तो इंटरिम बजट अनाउंस हुआ था, तो ये फिगर सिर्फ एक एस्टिमेट है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि बजट में फार्मर्स को कितना सपोर्ट मिलता है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 1,17,528 करोड़ रुपीज, जिसमें इंक्लूडेड है PM किसान फंड फॉर 60,000 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर 14,600 करोड़, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम 22,600 करोड़, प्रमोशन ऑफ फार्मर FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पर हम सिर्फ 587 करोड़ रुपीज स्पेंड करने वाले हैं। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स 1,64,150 करोड़ रुपीज। ये सारा पैसा फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देने में खर्च होता है। या तो ये फर्टिलाइजर इंपोर्ट किया जाता है या फिर मार्केट प्राइस और फार्मर प्राइस के बीच के डिफरेंस को कॉम्पेंसेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसी सब्सिडी की वजह से भारत में फर्टिलाइजर्स का मिसयूज होता है, ये हम नहीं अशोक गुलाटी जैसे एक्सपर्ट्स कहते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन 2,05,000 करोड़, ये पूरा का पूरा अमाउंट MSP के परचेजेस करने पर खर्च होता है और इसका लाभ सिर्फ 6% फार्मर्स को होता है, जिसमें मेजरली जिन स्टेट्स में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके फार्मर्स शामिल हैं। ये समाचार जनहित में जारी। डेयरी, हॉर्टिकल्चर यानी फ्रूट्स, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स पर कोई MSP नहीं होता। टोटल कितना हुआ? 4,86,678 करोड़। दिस इज मोर देन 10% ऑफ आर टोटल बजट एक्सपेंडिचर। और इस अमाउंट में पावर सेक्टर के सब्सिडीज तो इंक्लूडेड है ही नहीं, क्योंकि पावर सब्सिडीज मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट्स देती हैं, तो वो इस फिगर में आते ही नहीं, क्योंकि ये फिगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के सब्सिडीज हैं। वीट और राइस के प्रोक्योरमेंट में पंजाब का शेयर कंसिस्टेंटली 30-40% के बीच में होता है, तो कितना सारा पैसा एक ही स्टेट में जा रहा है आप ही सोचिए। सबसे पहले समझते हैं कि किसानों के डिमांड्स क्या हैं। किसानों ने इन टोटल 12 डिमांड सरकार के सामने रखी हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर पढ़ने के लिए टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। इनमें से कुछ डिमांड्स रैशनल और कुछ काफी इरैशनल हैं। बट इन अ डेमोक्रेसी यू हैव द फंडामेंटल राइट टू बी इरैशनल, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस। जैसे WTO से निकल जाना, सारे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स कैंसिल कर देना भारत के फायदे में नहीं है, इससे भारत का नुकसान ही होगा। लेकिन नेगोशिएशंस कुछ ऐसे ही होते हैं, कुछ डिमांड्स इतने आउटरेजेस होते हैं कि वो एक्सेप्ट होने वाले ही नहीं है, सबको पता होता है। उनकी छाया में दूसरे डिमांड्स पास हो जाते हैं। चैप्टर 2, MSP का प्रॉब्लम। किसानों की कई मांगों में से एक मांग उभर कर आती है और वो है MSP की मांग। फार्मर्स वॉन्ट MSP एज अ लीगल राइट। क्या है MSP? MSP का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
किसी रीजन की वजह से अगर मार्केट में प्राइसेस गिर गए तो सरकार किसानों से एमएसपी पर ये धान ले सकती है। सरकार साल में दो बार 24 कमोडिटीज पर एमएसपी डिक्लेयर करती है। सो फार सो गुड, लेकिन ये एमएसपी सिस्टम ब्रोकन है क्योंकि पूरे भारत के सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी का कुछ लाभ मिलता है, क्योंकि सरकार कितनी भी कोशिश कर ले पूरे भारत में उगने वाला धान वो खरीद नहीं सकती। 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा था, उस समय हमारी सिचुएशन इतनी खराब थी कि हम फॉरेन एड पर गुजारा कर रहे थे। उस समय किसानों को ग्रेन्स उगाने के लिए एनकरेज करने के लिए एमएसपी की प्रथा शुरू हुई, लेकिन तब से अब तक भारत काफी बदल चुका है। हम फूड डेफिसिट कंट्री से फूड सरप्लस देश बन चुके हैं, लेकिन आज एक दूसरा प्रॉब्लम है, हमारी ग्रेनरीज ओवरफ्लो हो रही हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्टोरेज कैपेसिटी 800 लाख टन की है और 2021 का डेटा कहता है कि हम ऑलरेडी 900 टन लिए बैठे हैं। ये इतना सारा खाना ओवरफ्लो हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। एमएसपी पर सरकार लेती है, सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को एमएसपी पर खरीदने के लिए फोर्स नहीं कर सकती, तो वहाँ पर सप्लाई और डिमांड के रूल्स चलते हैं। यानी अगर उन्हें बेटर क्वालिटी या फिर चीपर प्राइस कहीं और से मिलती है तो वो वहाँ से खरीद सकते हैं। आज वही हो रहा है। भारत में वीट लोकली सोर्स करने के बजाय रशिया से वीट इम्पोर्ट करना ज्यादा फायदेमंद लगता है। सिंपली डेटा देखते हैं, भारत में वीट की एमएसपी है 2,275 रुपीज पर क्विंटल, क्विंटल यानी 100 किलो, और अर्जेंटीना और रशिया जैसे देश एक क्विंटल वीट कितने में बेचने के लिए रेडी हैं? चलिए देखते हैं। अर्जेंटीना 1,994 रुपीज और रशिया 1,869 रुपीज पर क्विंटल। इंटरनेशनल मार्केट में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड 1,809 रुपीज में वीट लाता है। तो करंट सिचुएशन में एमएसपी से भारत सरकार के लिए, इंडियन कंज्यूमर्स के लिए या फिर प्राइवेट प्लेयर्स के लिए कोई फायदा है ही नहीं। हमारा अन्नदाता किसान नहीं, हमारा अन्नदाता तो पुतिन है। ये देश के लिए डबल ट्रेजेडी है, क्योंकि हमें लो क्वालिटी खाना FCI को MSP पर बेचने की लत लग चुकी है। आज हम MSP पर ओवर डिपेंडेंट हैं, और इसीलिए आज वीट और पैडी की खेती अनसस्टेनेबल है, कम्पेटिटिव नहीं है। लेकिन चलिए एक्सट्रीम केस के बारे में सोचते हैं, क्या सरकार MSP एज अ लीगल राइट दे सकती है? सरकार ने अगर किसानों की सारी बातें मानकर MSP को एक लीगल राइट बना दिया तो क्या होगा? Chapter 3, MSP का देश पर इम्पैक्ट। चलिए नंबर्स देखते हैं। इस साल भारत का वीट प्रोडक्शन 114 मिलियन टन का रिकॉर्ड क्रॉस करेगा। ये तो अच्छी बात है, राइट? ज्यादा खाना यानी गरीबों के लिए कम दाम, इन्फ्लेशन कंट्रोल में, और तो और एक्स्ट्रा खाना हम एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, राइट? रॉन्ग, द प्रॉब्लम इज MSP, क्योंकि MSP एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है। पिछले ही साल MSP 7% से बढ़ाया गया और हर साल यही चलता रहेगा। अगर MSP एक लीगल गारंटी बन गया तो कोई भी प्राइवेट प्लेयर वीट और राइस MSP के नीचे नहीं खरीद पाएगा, यानी उसे महंगे दामों पर चीजें खरीदनी होंगी, होलसेलर को भी महंगे दामों पर चीजें खरीदनी होंगी, और तो और आपको भी महंगे दामों पर चीजें खरीदनी होंगी। इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में पहुंच जाएगा और इसके जिम्मेदार यही किसान होंगे। स्वामीनाथन कमेटी ने MSP कितना होना चाहिए इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया था, विच इज फेमसली कॉल्ड एज C2+50%। मतलब यह है कि सरकार ने सेट की हुई MSP कॉस्ट से 50% ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि करंट MSP ऑलरेडी स्वामीनाथन कमेटी के रेकमेंडेशन से ऊपर है। वीट ग्रो करने वाले 12 स्टेट्स में से 8 स्टेट्स में MSP स्वामीनाथन कमेटी से हाई ही है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि MSP एज अ प्रैक्टिस फ्री मार्केट के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता, क्योंकि लॉजिक यही कहता है कि MSP सारे कमोडिटीज पर नहीं बल्कि सिर्फ चुनिंदा 20 या 24 प्रोडक्ट्स पर डिक्लेयर होता है, तो यही धान जरूरत से ज्यादा उगता है। MSP की कॉस्ट इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा होने की वजह से हम चाहे भी तो उसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये धान हमारे ग्रैनरीज में रॉट होता रहता है, जिसमें से 30% कम्प्लीटली वेस्ट हो जाता है, क्योंकि जिस स्पीड से हमारा प्रोड्यूस बढ़ रहा है उस स्पीड से स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं बन रही हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट लगती है और प्राइवेट प्लेयर्स को स्टोरेज फैसिलिटी बनाने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है। इन माय हम्बल ओपिनियन, भारत को एग्रो रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है, वही रिफॉर्म्स जिन्हें 2 साल पहले फार्मर्स प्रोटेस्ट में विरोध हुआ था। MSP जो किसानों के लिए एक सपोर्ट के तौर पर बना था, आज भारत को और भारत के किसानों को भी निचोड़ रहा है, और सिर्फ किसानों को खुश रखने के लिए, उन्हें शांत रखने के लिए हम हर साल MSP को बढ़ाए ही जा रहे हैं। हर साल अलग अलग पार्टीज MSP के दाम बढ़ाने पर बात करते हैं। अगर MSP पर खरीदना कंपलसरी हो गया तो इसका फाइनेंशियल बर्डन 10 लाख करोड़ के आसपास होगा। ये उतना ही है जितना हम हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खर्च करते हैं, और ये आप ही के टैक्स के पैसों से आता है।
दिस विल बी 1/4 ऑफ आवर एनुअल बजट। आज हम ही नहीं, कई एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि एमएसपी को लीगल गारंटी बनाना किसानों के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदायक है, जिसका फायदा चंद लोगों को होगा और नुकसान सबको। हमारा सवाल सिंपल है, किसानों की इन डिमांड्स की वजह से आम आदमी को नुकसान होगा या फायदा? जवाब के बारे में आप खुद ही सोचिए और कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। चैप्टर 4 कंक्लूजन। इन प्रोटेस्ट के बारे में कई बातें सस्पिशियस हैं। ये प्रोटेस्ट अब क्यों हो रहे हैं? अब तो इलेक्शन है, पार्लियामेंट सेशन सीधा मानसून के टाइम पे होने वाला है, तो अब ये प्रोटेस्ट क्यों? अभी इस सरकार ने प्रोमिसेस करने से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इलेक्शन के बाद तो कोई भी सरकार आ सकती है। इस समय प्रोटेस्ट करने से अच्छा है कि फार्म लीडर्स ने इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हो गया था कि राम मंदिर इनॉग्रेशन के बाद देश के बारे में काफी पॉजिटिव चर्चा हो रही थी। इस पॉजिटिव चर्चा को बैलेंस करने के लिए ये प्रोटेस्ट डिजाइन किए गए। हाल ही में न्यूज आई है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू पाकिस्तान के थ्रू किसानों को हथियार भेजना चाहते हैं ताकि वो प्रोटेस्ट जारी रखें। दिल्ली हमारी राजधानी है, स्ट्रेटेजिकली काफी इम्पोर्टेंट है और यहाँ मूवमेंट का फ्लो चोक ना होना सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही क्राउड बढ़ती जाती है वैसे ही दंगे होने के चांसेस भी बढ़ते हैं और इसमें किसी एक कल्प्रिट को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इलेक्शन के समय देश के कैपिटल में कुछ भी हो सकता है और ये काफी डेंजरस है। अब देश के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट यही है कि इलेक्शन स्मूथली हो जाए, फिर कोई भी पार्टी चुनकर क्यों ना आए, लेकिन हर वोटर को बिना किसी हर्डल के अपना वोट कास्ट करने का मौका मिले, उसका फोकस सही चीजों पर हो ताकि वो काम देखकर सही कैंडिडेट चुने। इस वीडियो के थ्रू मेरी आपसे और हर सेलिब्रिटी से रिक्वेस्ट है कि आपके बायसेस छोड़िए, फैक्ट्स के साथ बात कीजिए, नंबर्स के साथ बात कीजिए। सोचिए, क्या भारत प्रैक्टिकली WTO से बाहर हो सकता है? क्या हम 10 लाख करोड़ MSP पर खर्च कर सकते हैं? क्या MSP की प्रैक्टिस हमें इनकम्पीटेंट बना रही है? क्या हम सिर्फ नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स की बात सुन रहे हैं और साउथ के फार्मर्स को इग्नोर कर रहे हैं? क्या हमें MSP से ज्यादा फूड स्टोरेज फैसिलिटीज की जरूरत नहीं? क्या इलेक्शन के समय ऐसे प्रोटेस्ट देश की डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं या एक सिक्योरिटी थ्रेट बनते हैं? ये सवाल हर एक ने खुद से पूछना जरूरी है, रैशनली सोच विचार करना जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे देश के किसानों का भला हो, हम सब चाहते हैं कि देश का भला हो, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि समाज का एक सेक्शन प्रोटेस्ट के नाम पर देश को ब्लैकमेल ना करे, डेमोक्रेसी को और रूल ऑफ लॉ को जिंदा रखे। और यही इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुँचाने से मुझे फर्क पड़ता है।